ओके दोस्तों, अब अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं, सीड सप्लाई। बेसिकली हम अपने पुराने फ्रेमवर्क को फिर से अपडेट करते हैं। तो पहला अपना था चॉइस ऑफ स्पीसीज, 15 नंबर का चैप्टर जो हो चुका है। अब इसमें पढ़ेंगे हम सीड सप्लाई। ये चैप्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि पहले तो हम किसी स्पीसीज को सिलेक्ट करते हैं, फिर दूसरा चैप्टर होगा उस स्पीसीज से सीड कलेक्ट करते हैं, फिर थर्ड चैप्टर है कि वो जो सीड्स कलेक्ट किए हैं उन्हें नर्सरी में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद हम जो नर्सरी प्रोड्यूस करेंगे उसे हम किसी साइट पे लेके जा कर के वहाँ प्लांटेशन करेंगे। जब आप प्लांटेशन कर दोगे तो उस प्लांटेशन को फिर मेंटेन करोगे, और जब वो बाद में बड़ी होने लगेगी तो उसको साथ में करोगे मेंटेनेंस, और उसके साथ होंगी टेंडिंग ऑपरेशन, मतलब क्लीनिंग, वीडिंग, थिनिंग, इस टाइप की चीज़ें होंगी। और बाद में आपको उनके पेड़ों को भी काटने पड़ेंगे जिससे थिनिंग वगैरह आएंगे, तो सब हो जाएगा टेंडिंग ऑपरेशन में। और इसके बाद लास्ट में जब आप काटोगे तो वो फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन वाला आपका चैप्टर आ जाता है, क्योंकि आप काट के हार्वेस्ट कर रहे हो टिम्बर को। तो इसी टाइम पे जब सोविंग प्लांटिंग आप अपनी साइट में करोगे उसके साथ साथ आप पढ़ लेंगे कि जो डिफ़िकल्ट साइट है उनका एफोरेस्टेशन करने वाला जो इशू है वो। तो यहाँ अपने वापस आते हैं, अपना चैप्टर देखते हैं, ये है अपना सीड सप्लाई। तो पहला तो हम अपना बहुत बहुत पुराना वाला इशू वापस देख लेते हैं कि हम ये बार बार सीड सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सीड कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि वो पर्पज़ वही है कि हमें आर्टिफिशियल रीजनरेशन के लिए कहीं ना कहीं से सीड चाहिए, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट चाहिए। दूसरा, ये जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन क्यों करना है, तो उसके पीछे बहुत सारे इशू हैं जिन्हें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और इस चैप्टर के भी स्टार्टिंग में कुछ आपको इशू एक दो नए मिल सकते हैं, अदरवाइज वही पुराने रहेंगे, तो इन पर डिस्कस करना कोई बात नहीं रही। अगर हम अपने इस चैप्टर को बेसिक फ्रेमवर्क में देखें तो हम उसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम बोलें तो 5 ही पार्ट है, क्योंकि जो सीड सर्टिफिकेशन है इसको हम जो इस पेपर वन का जो सेक्शन बी है उसमें सीड टेक के लिए केवल सेक्शन में सीड सर्टिफिकेशन ही छोड़ रहे हैं। वहाँ पर हम सीड सर्टिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अदरवाइज आपका सीड टेक्नोलॉजी में कुछ भी पढ़ना नहीं है। कुछ पार्ट आपका सीड से रिलेटेड यहाँ पर हो जाएगा, जैसे ऑर्थोडॉक्स और रिकल्सिटेंट सीड। रिमेनिंग जो सीड का जो सीड ऑर्चर्ड से रिलेटेड पार्ट है वो ट्री इम्प्रूवमेंट में हो जाएगा। तो सीड टेक्नोलॉजी में आपको बेसिकली कुछ नहीं पढ़ना है, केवल सीड सर्टिफिकेशन को छोड़ गया। चलो इस चैप्टर को देखते हैं। तो इसके 5 पार्ट हैं। पहला है, आप पेड़ से जाके सीड को कलेक्ट करते हैं। तो जब कलेक्ट करोगे तो पहले आपको कोई पर्टिकुलर प्लांट सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड बात, आप कलेक्ट कितना करना है तो आपको पहले क्वांटिटी तो पता हो, आपको 1 बोरा करना है, 100 kg करना है, 1000 kg करना है, या 1 मिलियन टन कितना करना है। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका नर्सरी कितना है, तो आपको कितना एरिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको सीड की क्वांटिटी पता होना चाहिए। दूसरा, कलेक्शन आप कैसे करोगे, कलेक्शन के मेथड है, और जो स्पीसीज वगैरह उससे रिलेटेड है। जब आप सीड कलेक्ट कर लोगे तो फिर उनको करोगे प्रोसेस। प्रोसेस मतलब जब कलेक्शन किया जाता है तो उसके साथ बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती है, जैसे ट्विग्स, ब्रांचेज है, फ्रूट सपोज है, तो फ्रूट पल्प ही है, जैसे मैंगो है तो आपको उसका पल्प निकालना पड़ेगा, डीपल्पिंग करनी पड़ेगी, तो ये सब जो ग्रेडिंग करनी पड़ती है, तो ये हो गई प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसे रख दोगे स्टोरेज में जिससे कि आप उसे यूज कर सको। सीड कलेक्शन का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हर ट्री मेजोरिटी स्पीसीज जो है वो एवरी ईयर सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या ये बोल सकते हो कि कुछ स्पीसी जो एवरी ईयर सीड प्रोड्यूस करते हैं उनकी हर साल की सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसलिए कॉन्सेप्ट है ट्रीज में गुड सीड ईयर का, मतलब हर ट्री लगभग कुछ 4 साल बाद, कुछ 5 साल बाद, कुछ अल्टरनेट ईयर एक ऐसा सीजन आता है जिसमें वो जो सीड है वो बेटर क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रोड्यूस करते हैं, वो है उनके लिए गुड सीड ईयर। सपोज जैसे नीम के लिए 5 ईयर है, मीन्स आफ्टर एवरी 5th ईयर नीम बेस्ट क्वालिटी के सीड और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीड प्रोड्यूस करता है। तो हम एक्चुअली इन्हीं को गुड जो बेटर सीड ईयर वाले हैं उन सीड को यूज करते हैं, तो उन्हें स्टोर करके रख लेते हैं जिससे अगले 5 साल तक हम यूज कर सकें। एक इशू और होता है स्टोरेज क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ट्री के जो सीड है वो 10-15 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हमें अगर उन्हें 2 साल तक यूज करना है तो आपको स्पेशल मैकेनिज्म अपनानी होती है स्टोरेज में जिससे वो 2 साल तक चल सके। फिर आप उनका करते हो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्यों,
क्योंकि आप उनको नर्सरी में, या मान के चलो आप डायरेक्ट सोविंग कर रहे हो सीधे सीधे साइड पे, तो आपको उसको सीड को कुछ ट्रीट करना पड़ेगा, जिससे कि जब आप साइड में सो करके चले जाओ वापस, तो वहाँ पर वाइल्ड एनिमल जो बर्ड्स हैं वो उसे निकाल करके खा ना जाए, या फंजाई और जो सॉइल के बैक्टीरिया है वो उस पर अटैक ना कर दें। और एक और टेस्ट है, वो है लास्ट पार्ट होगा इसमें, जो टेस्टिंग का रिलेटेड है। वो सीड के टेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उससे हमें ये पता पड़ता है कि सीड में कि एक्चुअली उसका क्वालिटी जो है वो हमें टेस्ट के थ्रू पता पड़ेगी। अब सीड में क्या टेस्टिंग करते हैं उसे हम आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं सीड कलेक्शन। तो सीड कलेक्शन में हम बेसिकली दो टाइप से देख लेते हैं, एक तो हम देख लेते हैं कि मेथड कैसे कलेक्ट करते हैं, और दूसरा हम कोई स्पीसीज, हमें कौन सी स्पीसीज चाहिए जिसको हमें चाहिए। तो हम इस टाइप से चॉइस ऑफ स्पीसीज, जनरली चॉइस ऑफ स्पीसीज तो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर हम अपनी स्पीसीज सेलेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर अपना मुद्दा आता है कलेक्शन का। तो सीड कलेक्शन के जनरली दो तीन तरीके हैं। पहला और जो सबसे सही तरीका है, आप सीढ़ी लेके अपनी जाओगे, पेड़ के पास लगाओगे और पेड़ पे ऊपर चढ़ के सीड कलेक्ट करोगे। इसका पॉजिटिव पहलू ये है कि इससे आपको बेस्ट क्वालिटी के सीड आप चुन चुन करके तोड़ते हो, लेकिन नेगेटिव पहलू ये है कि ट्री होते हैं बहुत हाइट के, 20-25 मीटर, अगर ऐसा पेड़ मिल गया तो भाई तुम दुना निकाल पाओ। दूसरा, इसमें हड्डियां टूटने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हड्डियां टूटने के साथ साथ भी ये पूरे दिन में ना 20-25 फ्रूट ही तोड़ पाता है। तो इससे ये अपने इशू है, पॉजिटिव आपको बता ही दिया। दूसरा तरीका है, पेड़ को काट दो, यूजली उसकी ब्रांच कट कर देते हैं, और ब्रांच कट कर दी और ब्रांच के जो भी मिले वो पूरे मिल गए आपको। लेकिन इसके साथ ये है कि आपको, क्योंकि फ्रूट कभी हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ब्रांच में सभी मैच्योर है, तो आप मैच्योर तो ले लोगे लेकिन इमैच्योर बर्बाद हो गया और वो पूरी ब्रांच बर्बाद हो गई। दूसरा ये भी होता है कि ट्री को काट दो, तो ये ट्री को कट करने वाला जो मेथड है उसे हम जनरली तब यूज़ करते हैं जैसे कहीं पे फिलिंग ऑपरेशन चल रहा है, तो हमें एक्चुअली फिलिंग ऑपरेशन पे सीड कलेक्शन मेथड करते हैं, जिससे जैसे ही उन्हें ट्री फिल कर दिया हम वहाँ से सीड कलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे इंपोर्टेंस है, बकाया रिमेनिंग वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन इस टाइप के फिलिंग ऑपरेशन के साथ इशू ये है कि आपको सीड कलेक्शन और फिलिंग वाला मेथड जो वर्क है वो एक साथ होना चाहिए। एक साथ मतलब उसमें उस टाइम पे सीड भी आना चाहिए, उसी टाइम पे फिलिंग हो और आपको सीड की रिक्वायरमेंट भी हो। चलो, एक और जो सबसे जो सस्ता चीपेस्ट मेथड है वो है, नीचे जाते हैं, ग्राउंड को क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और 2-4 10 दिन बाद वापस जाते हैं और वहाँ पर जो नीचे पड़े हुए फ्रूट्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ इशू ये है कि जो नीचे टपकते हैं फ्रूट्स वो जनरली मैच्योर होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप जाते हो तब तक उस पर रोडेंट वगैरह अटैक कर देते हैं, बहुत सारे तो बर्बाद हो चुके होते हैं, सड़ चुके होते हैं, तो ये इशू है, डैमेज भी हो जाते हैं। आगे चलते हैं अपना चॉइस ऑफ स्पीसीज। अब आप स्पीसीज कोई चॉइस करते हो उस किस हिसाब से करते हो? पहला तो यह है, मतलब आपने एक स्पीसीज तो सिलेक्ट कर ली, जैसे आपने टीक लगा दिया, लेकिन एक्चुअली उस स्पीसीज में जैसे कि टीक है उसकी बहुत सारी वैरायटी होंगी। अब आप कौन सी वैरायटी लगाओगे एक्चुअली? तो पहले तो आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ के साइड फैक्टर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अब मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट था कि टिम्बर बहुत अच्छा वाला हो, ठीक, तो आप ऐसी उसकी वैरायटी लेके आओगे जिसका टिम्बर अच्छा हो। अगर आप ये चाहते हो कि उसमें लीफ प्रोडक्शन अच्छा हो, तो आप वैरायटी ऐसी ढूंढोगे जिसमें लीफ प्रोडक्शन अच्छा हो। तो फर्स्ट आपके साइट फैक्टर और उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसकी वैरायटी सिलेक्ट करोगे। अब वैरायटी आपने सेलेक्ट कर ली तो इसके बाद उस वैरायटी की भी अलग अलग पार्ट में ग्रो कर रही होगी। जैसे टीक की बात की जाए तो उसकी एक क्लोन जो है वो ग्रो करती है महाराष्ट्र में, दूसरा नीलांबर केरला वाले रीजन में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है और एमपी में भी टीक है। तो जब अगर आप न्यू दिल्ली के पास में कहीं टीक की प्लांटेशन कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि इनमें से कहाँ की ओरिजिनेट टीक जो है वो आपके यहाँ सबसे बेस्ट ग्रो करेगी। तो उसे बोलते हैं प्रोजेनी ट्रायल, यानी कि प्रोवेनेंस ट्रायल, प्रोजेनी नहीं प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस मीन्स कहाँ का वो ओरिजिनल प्लेस है। तो आप यहाँ प्रोवेनेंस देखोगे कि महाराष्ट्र वाली आपके लिए ठीक है या तमिलनाडु वाली ठीक है।
फिर इसमें एक डिपेंड ये भी करता है कि आपको सीट कितना चाहिए। दूसरा, आपको गुड सीड ईयर वाला मैंने बता ही दिया, तो वो भी फैक्टर डिपेंड करता है जब गुड सीड ईयर में हो। हाँ, एक बात और, जो सीड कलेक्ट किए जाते हैं वो जनरली मिड एज के ट्री से कर जाते हैं, यंग वाले के ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं, मैच्योर वाले के ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, तो यंग वाले के पकड़ेंगे। अगर कोई ऐसा ट्री है जो पहले से पूर फॉर्म का है, डिसीज इन्फेक्टेड है, ऐसे क्यों क्यों लेंगे वुल्फ वाले को, क्योंकि वो तो पहले से, जब वो बाहर से दिखने में ही इतना घटिया पेड़ है, मीन्स घटिया इन द सेंस जो हमें करेक्टर चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर हमें टिम्बर चाहिए और वो टिम्बर के हिसाब का नहीं है तो अपने लिए घटिया हुआ, तो जब वो दिखने से घटिया है तो उसका जीनोटाइप भी घटिया ही होगा, तो हम भाई जानबूझ के कुएं में क्यों कूदेंगे। तो हम इस टाइप के सीड कलेक्ट नहीं करेंगे, और जनरली जो डोमिनेंट या कोडोमिनेंट वाले हैं, जो सबसे टॉप कैनोपी बना रहे हैं, उनसे ले लेंगे। यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल आप एक तो देवदार पकड़ लेना, और दूसरा देवदार ही ले कर रखो, दूसरा सिल्वर फिर याद रख सकते हो, 5 साल और 10 साल। तो इनका जो गुड सीड ईयर है देवदार का, वो हर 4-5 साल बाद आता है। ओके, तो अपना सीड कलेक्शन वाला पार्ट शुरू खत्म हो गया। अब देखते हैं सीड प्रोसेसिंग। जनरली अपने जो सीड लेके आते हैं, तो उसमें जो अभी आपको बताया ट्विक्स वगैरह होती हैं, तो उसको क्या करते हैं, बीन लेते हैं, हवा से उड़ा दिया, फ्लोटिंग कर दिया, या स्क्रीन कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर पल्पी सीड हुआ तो क्या करेंगे, उसको डीपल्पिंग करेंगे। कुछ सीड आप जब आप लेके आते हो तो अब आप छोड़ तो सकते नहीं हो, क्योंकि बर्बाद नहीं करते रिसोर्सेस, तो कुछ तो मैच्योर आएंगे, उसके साथ साथ कुछ इमेच्योर सीड भी आ जाते हैं, तो उनका क्या करोगे। तो बोला इमेच्योर को एक काम करो, उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर पर रख दो, तो कुछ दिन में वो मैच्योर हो जाएंगे, तो उसको प्री क्यूरिंग बोलते हैं। इसके साथ साथ डी विंगिंग वाला एक इशू है, जैसे कि अर्जुन के सीड है, ये होते हैं विंग्ड सीड, मतलब ये इनके सीड का डिस्पर्सल हवा से होता है, तो इनके सीड की आउटर कवर थोड़ा हवा हवाई होती है, जिससे ये आसानी से हवा के साथ दौड़ सके, मीन्स रन कर जाते हैं तेज हवा में। तो अब ऐसे सीड अगर आप भरोगे तो कम वेट, एक जो एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, तो आपको ये जो विंग वाला पार्ट है इसे रिमूव करना पड़ता है, जिससे छोटे स्पेस में ज़्यादा नंबर में क्वांटिटी में ये आ पाए, तो उसे डी विंगिंग बोलेंगे। और लास्ट होता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप प्लांटेशन कर रहे हो जिसका रिजल्ट अगले 2 साल के रिजल्ट के बाद आएगा, आपका प्रोजेक्ट है 250 करोड़ का, तो आप ये नहीं चाहोगे कि घटिया क्वालिटी के या घटिया ग्रेड के सीड डाल दिए, फिर 100 में से 85 जर्मिनेट हो पाए, मतलब प्रोजेक्ट आधा फेल हो गया। तो ऐसा बर्बाद ना हो, इसलिए बेटर है जो सबसे सिक्योर मोड है स्टार्टिंग में, हम पहले ग्रेड कर लेते हैं और हाई ग्रेड के सीड लगा देंगे। थर्ड पार्ट आता है अपना सीड स्टोरेज। जब आपने ये प्रोसेस कर लिया तो हम उसे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि नर्सरी में हाल ही तो रिक्वायरमेंट है नहीं, जब रिक्वायरमेंट होगी तब यूज़ होगी हमें, और फिर हमें नर्सरी में तो कंटिन्यू 4-5 साल रिक्वायरमेंट चाहिए, जब तक तो गुड सीड ईयर नहीं आ जाएगा तो हमें 4-5 साल तक रखना ही पड़ेगा, तो यहाँ स्टोरेज कवर कर देंगे हम। स्टोरेज के साथ एक बहुत बड़ा इशू है, किसी भी सीड को लिविंग जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, एक फेवरेबल टेम्परेचर, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा मॉइस्चर। अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो सीड नॉर्मल लाइफ लीजिएगा, अगर नॉर्मल रहेगा तो सीड की जैसे जो वायबिलिटी है, कुछ सीड की तो वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, 15-20 साल, 2500 साल तक होती है, जैसे अपना गुलाब का फूल होता है, नीलम्बों का। लेकिन कुछ सीड हैं जैसे कि अपना यूकेलिप्टस है, उसकी 15-20 दिन होती है यूकेलिप्टस की, तो ऐसे सीड को आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो 15-20 दिन इसलिए जी पाता है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाले 3 फैक्टर हैं। अगर उसके मॉइस्चर और ऑक्सीजन के लेवल को कम कर दो तो उसका जो रेस्पिरेशन रेट है वो घट जाएगी, रेस्पिरेशन रेट घटेगी, तो जो फूड उसको 15 दिन के लिए था वो हो जाएगा उसको 1.5 साल के लिए, रिजल्ट वो 1.5 साल तक सर्वाइव कर जाएगा। तो स्टोरेज जो किया जाता है वो एक्चुअली रेस्पिरेशन रेट कम करने के लिए किया जाता है। अब जब आप रेस्पिरेशन रेट कम करोगे तो यहाँ पर 2 इशू आ जाएंगे। एक तो ऐसे सीड होते हैं जब आप उनके बीच का मतलब ऑक्सीजन कम करोगे और मॉइस्चर कम करोगे तो मॉइस्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक तो ऐसे टाइप के सीड आते हैं जिसका तुम मॉइस्चर भले ही 5% तक चले जाओ उनका कुछ नहीं बिगड़ता, दर हद से ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स टाइप के सीड होते हैं, तुम कुछ भी बोल दो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा, ये ऑर्थोडॉक्स में कैसे कौन से सीड आ गए, जैसे आपका टीक आ गया, साल है, रिकल्सिट्रेंट, ये ऐसे फ्रूट हैं, ऐसे सीड हैं
जिनके मॉइस्चर के साथ या टेम्प ऑक्सीजन वो जो है स्पेशली मॉइस्चर मॉइस्चर के साथ जैसे ही थोड़ा बहुत चेंजबिलिटी हुई ये निकल लेते हैं, ये सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इन्हें बोलते हैं रिकल्सिट्रेंट सीड। जैसे अपना नीम ले लो, मैंगो ले लो, ये सब इसमें आते हैं। सॉरी, जो साल है डैप्टरोकार्पस वो भी रिकल्सिट्रेंट है। तो यहाँ पर आपको इधर मिलेंगे साल, डैप्टरोकार्पस, ये सब के सब है रिकल्सिट्रेंट। और जो अकेसिया, अल्बिजिया, केसिया, प्रोसोपेसिया, इन्हें शॉर्ट में लिख लो आप, आम आदमी पार्टी, अकेसिया, दूसरा अल्बिजिया और तीसरा प्रोसोपिस, ये तीनों के तीनों लेग्यूमिनस हैं और तीनों लगभग एक से कैरेक्टर शो करती हैं ऑलमोस्ट, और एक ही जगह पे जनरली पाई जाती है। तो ये सब के सब ऑर्थोडॉक्स है। क्यों? क्योंकि इनके सीड के बाहर एक बहुत हार्ड कवर होता है। अगर आपने कभी बबूल का सीड देखा हो तो उसके बाहर की आउटर कवर देखी होगी, किसी को भी इसमें से देखा हो उसके सीड के बाहर बहुत ज़्यादा हार्ड आउटर कवर होती है। आगे जाते हैं, लाइट का भी इशू है इनमें। अगर सीड जर्मिनेशन के लिए लाइट चाहिए, अगर आप लाइट नहीं दोगे तो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। मॉइस्चर का मैंने इशू बता ही दिया, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगी उसकी वायबिलिटी उतनी कम होगी, तो मॉइस्चर घटा दो उसकी वायबिलिटी बढ़ जाती है। सीड मैच्योर है या नहीं है, और सीड पे इम्पैक्ट, इंसेक्ट अटैक, तो आप स्टोरेज क्यों करते हो? जिससे कि उस पर इंसेक्ट अटैक वगैरह ना पड़े। आप क्यों करते हो? कि उसकी मैच्योरिटी जो है, जो इमेच्योर सीड है उनको भी मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। कुछ टाइम तक रखो वो पक जाते हैं, जैसे अपने आप फ्रूट होते हैं, तो ना बिना पके रख दो तो वो कुछ दिन भूसे में आकर रख देते हैं, जैसे विलेज में, तो कुछ दिनों में वो पक जाते हैं एक टेम्परेचर पा करके। ओके, आगे चलते हैं। तो सीड वायबिलिटी जो जनरली होती है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल है किसी का भी याद रख लेना, जैसे टीक है, बम्बू है, इनकी 1 साल होती है, ठीक है। और जैसे नीम वगैरह है और अपना यूकलिप्टस था जिसका बताया, वो जनरली 10-15 दिन होता है। ओके, अब अपना सीड स्टोरेज हो गया, अब आ गया प्री ट्रीटमेंट। अब मान के चलो आपने स्टोरेज तो कर दिया, अब आप जा रहे हो कि सीड को अपने फार्म में लगाने के लिए। तो यहाँ पर दो इशू है। पहला इशू है कि आपने जब सीड ग्राउंड में लगा के आ गए तो कोई वाइल्ड एनिमल आता है और खुद के खा के चले जाते हैं। जैसे जब मैंने मेलाइना पे नर्सरी में काम किया था तो वहाँ पर रोडेंट्स, जो अपनी गिलहरी होती है, स्क्वायरल, इसका बहुत इशू होता है नर्सरी में। ये आपकी जो सीडलिंग है उसे निकाल निकाल के खा के चली जाती है। तो आपने अगर 100 सीड वहाँ पर सोविंग की तो ये 200-300 के समथिंग तो गायब होना है। तो इस टाइप के सीड गायब ना हो, पहले पहला इशू। दूसरा, ये जो सीड होते हैं ये कई बार जिस सॉइल में हम लगा रहे होते हैं वो वहाँ पर फर्टिलिटी बहुत कम होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो हम उनकी कोटिंग ऐसे करना चाहते हैं जिससे उन पर इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक ना पड़े, और दूसरा वहाँ वो उसे कुछ फर्टिलिटी भी प्रोवाइड कर दे, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड कर दे कम से कम इनिशियल स्टेज में। और थर्ड इशू है, एक टर्म आता है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है कि नॉर्मली होता क्या है कि सीड जो होता है, अगर आपने आज कोई क्रॉप हार्वेस्ट की, यानी कि आज आपने उसके सीड कलेक्ट किए प्लांट से, और कल अगर आप ज़मीन में डाल दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। उसे हार्वेस्टिंग से ग्रोविंग के बीच में कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, इसी को बोलते हैं डोरमेंसी। ये है क्या? ये एक प्लांट का एडाप्टेशन है, क्योंकि प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो उनका एक एडाप्टेशन है अपनी स्पीसीज को बचाए रखने के लिए, कि जैसे ही उनका हार्श कंडीशन आती है, हार्श कंडीशन से पहले वो अपने सीड प्रोड्यूस कर देते हैं, कि अगर हार्श कंडीशन में वो निकल भी लिए तब भी उनकी सीड है, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो सीड जर्मिनेट होंगे और उनकी स्पीसीज हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो वैसे ही होती है। अब आपसे अगर वो डोरमेंसी वाला फैक्टर ना हो तो क्या होगा कि जैसे ही सीड प्रोड्यूस हुआ वो वहाँ से जर्मिनेट करना उसने शुरू कर दिया। अब ऐसे वो जर्मिनेट कर दिया तो जो हार्श कंडीशन थी उसी में जर्मिनेट होगा, उसे तो मर नहीं मरना है। तो इस टाइप से वो एक डोरमेंट फेज आ जाती है, कि वो जब तक फेवरेबल कंडीशन उसके लिए स्टिमुलस नहीं देंगे तब तक वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस टाइप से उसमें कुछ डोरमेंट कंडीशन डेवलप हुई, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब उसके सीड कोट की वजह से, इंटरनल मतलब केमिकल की वजह से। इस चीज़ को थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ देखते हैं उसके ट्रीटमेंट। तो पहले तो हम देखते हैं इसकी सीड ड्रेसिंग, जो ऊपर से करेंगे, मतलब सीड के ऊपर एक आउटर कवर कर देंगे, जो मैं बता चुका हूँ। इससे दो दो तीन बेनिफिट होते हैं। पहला होता है कि ऐसे सीड जो बहुत छोटे छोटे होते हैं,
जब उनका हाथ से स्कैटरिंग करते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता, वो अनइक्वल हो जाता है। तो अगर हमने उससे पैलेटिंग कर दी या सीट कोटिंग कर दी तो अब वो पकड़ में आसानी से आ जाते हैं, तो हम एक एक करके सीट आराम से डाल सकते हैं। दूसरा, सीट को इनिशियल फेज के जो न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर है वो यहीं मिल गया, फंजाई वगैरह से जो एंटी फंगल जो चीज़ें हैं वो भी इसमें डाल दी थी, तो फंजाई वगैरह से इंसेक्ट से अटैक से भी बच गए और वाइल्ड एनिमल भी इसे खोल के नहीं खाते हैं। तो इस टाइप से सीड ड्रेसिंग या सीड पैलेटिंग का बहुत बेनिफिट पड़ जाता है हमें। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्री सोविंग ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर राइजिंग नर्सरी। तो ये प्री सोविंग ट्रीटमेंट है, चाहे आप ये नर्सरी में ग्रो करो या डायरेक्ट फार्म में ग्रो करो, इस ये लगभग ऑलमोस्ट सभी जगह सेम होते हैं, तो वही यहाँ लिखना है वही वहाँ लिखना है। दूसरा, सीड ट्रीटमेंट में आपको जो नीचे वाला था यूनिफॉर्मिटी ऑफ सीड वो हो गई, क्योंकि सीड बड़े छोटे भी होंगे तो आपने पैलेटिंग करके उनको सबको सेम साइज का कर दिया। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट डिसीज हो गया। अब मैंने इशू आता अपना सीड डोरमेंसी वाला जो मैं पहले डिस्कस कर चुका था। तो सीड डोरमेंसी मीन्स एक फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी है जिसकी वजह से प्लांट तब तक जर्मिनेट नहीं करते हैं जब तक उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट ना मिले। ये किस वजह से होती है? दो वजह से, एक बाहर एक्जोजीनस जैसे उसका जो सीड कोट होता है उसकी वजह से। यहाँ पर आपको एक सीड दिखेगा, तो सीड के पास जनरली तीन पार्ट होते हैं, एक उसका एम्ब्रियो जो जर्मिनेट होगा, दूसरा उसके बाहर का कवर, और तीसरा होता है फूड स्टोरेज। इसे देखेंगे जैसे आपने ग्राउंड नट को खाया होगा कभी भी, तो उसके ऊपर जो रेड कलर का कोट है वो है उसका सीड कोट। उसके अंदर जो कोटिलेडन तो जो नीचे दो दाने निकलते हैं, एक बड़े दाने के दो पार्ट जो होते हैं वो है फूड, और उन दोनों को जोड़ने वाला एक बीच में एक मिगी बोलते हैं वो है एम्ब्रियो। तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनका जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड होता है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्जोजीनस डोरमेंसी। वो हार्ड हार्ड इतना ज़्यादा होता है कि कितना भी हार्श इन्वायरमेंट हो वो कुछ नहीं होता है, और उसका अडेप्टेशन इस टाइप से है कि जब तक उसे बहुत अच्छी तरह से गर्मी और वो सर्दी नहीं मिलेगी तब तक वो क्रैक नहीं होगा, क्रैक नहीं होगा तो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये हो गई एक्जोजीनस डोरमेंसी। एंडोजीनस क्या होता है? जैसे कि एक सीड है वो जब प्रोड्यूस होता है तो उसी टाइम पे वो इमैच्योर होता है, मतलब पेड़ से गिर गया लेकिन वो अभी भी इमैच्योर है, और वो धीरे धीरे अपने आप अंदर ही अंदर डेवलप होगा। जैसे कि अपना जो बच्चा होता है छोटा ह्यूमन बीइंग का, उसका ब्रेन स्टार्टिंग में पैदा होने पर भी बर्थ के टाइम पे ब्रेन पूरा डेवलप नहीं होता, वो उसके लास्ट फेज में बाद में डेवलप हो रहा होता है, तो इसी टाइप से वो इमेच्योर हुआ। दूसरा हुआ कि कुछ इसमें कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल प्रोड्यूस कर देते हैं, और जिस वजह से जब तक वो केमिकल का इफेक्ट रहता है ये जर्मिनेट नहीं कर सकता, मीन्स मेटाबॉलिक मीन्स एंजाइमेटिक इनएक्टिव एंजाइम वगैरह हो जाते हैं। तीसरा, मेटाबॉलिक रिएक्शन का हो गया। तो सीड डोरमेंसी ऐसे एक टाइप से ऐसे हो गए जैसे सर्दियों में एनिमल जो होते हैं सो जाते हैं, हाइबरनेशन होता है उस टाइप का है, ये एक टाइप का हाइबरनेशन है। तो 2014 का क्वेश्चन है एक्जोजीनस डोरमेंसी एंड एंडोजीनस डोरमेंसी। ठीक है, एक टर्म और है सेकेंडरी डोरमेंसी, इनको बाद में एक बार और आगे दिख रहा है, लेकिन सेकेंडरी डोरमेंसी समझ लेते हैं। मान के चलो एक प्लांट है उसमें कोई डोरमेंसी नहीं है, ये जो भी डोरमेंसी थी वो रिमूव हो चुकी है। अब आपने उसे ग्रो तो कर दिया, ग्रोविंग टाइम पे डाल दिया सॉइल में, लेकिन उसे जो जो कंडीशन चाहिए जैसे कि मॉइस्चर चाहिए, लाइट चाहिए, तो आपने वो दिया नहीं है उसे। तो इस केस में अगर आप फेवरेबल कंडीशन, भले ही उसका सीजन आ चुका है या उसकी डोरमेंसी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं दोगे तब भी वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये इसकी वजह से जो क्रिएट होती है जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन की, वो भी सेकेंडरी डोरमेंसी। तो उसे चाहिए क्या? मॉइस्चर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, तीन कंडीशन में कोई भी एबसेंट हुआ वो सेकेंडरी डोरमेंसी में चला जाएगा। अब मुद्दा है ये डोरमेंसी को हटाएं कैसे? तो हटाने के तरीके हैं, जैसे पहले पहले ले लेते हैं हम एक्जोजीनस डोरमेंसी। एक्जोजीनस मतलब बाहर की सीड कोट की वजह से। तो जो अपनी आप फैमिली है अकेशिया, लिविजिया और प्रोसोपिस, इनकी जो बाहर की आउटर कवर है इसको जनरली क्या होता है, पानी में 24 घंटे के लिए डाल दो वो फूल जाते हैं और वो बस्ट हो जाता है, जैसे चना फूल जाता है तो आउटर को आउटर जो कवर है उसके कोट को वो बस्ट कर देता है, फट जाता है और ये डोरमेंसी खत्म। दूसरा एक मुद्दा होता है जो टीक के लिए यूज़ करते हैं, इसे स्पेशली याद रखें, इसे बोलते हैं अल्टरनेट वेदरिंग एंड ड्राइंग।
क्योंकि टीक जो ग्रो करता है वो करता है ट्रॉपिकल रीजन का, ट्रॉपिकल ड्राई कंडीशन का। तो उसका ये अडेप्टेशन है कि ट्रॉपिकल ड्राई में अक्सर आग लगती रहती है, तो उसे बहुत गर्मी लगे फिर वो सूखा पड़े, फिर गर्मी लगे फिर सूखा पड़े, इस टाइप से झेल झेल करके वो पेड़ लास्ट तक उस स्टेज में पहुंच जाता है कि उसकी डोरमेंसी ख़त्म होती है। तो ये उसका अडेप्टेशन हो गया। अब अगर हम इस टाइप से उसे पनिशमेंट नहीं देते तो वो जर्मिनेट होने को तैयार नहीं होता है, उसे दर्द में ही मज़ा आ रहा है। तो ये है टीक, जिसे पेरिकार्प मतलब आउटर कवर की वजह से है। थर्ड डोरमेंसी का जो रिमूव करने का तरीका है उसे बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैरी स्क्रैच करना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो अपना सैंड पेपर है सीट को लेते हैं और उसे थोड़ा सैंड पेपर से रगड़ देते हैं, जिससे उसका आउटर कोर जो है उसमें स्क्रैच आके उसमें क्रैक बन जाते हैं। इसकी वजह से अंदर वाटर और मॉइस्चर मीन्स एयर और मॉइस्चर दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। इसका रिजल्ट होता है कि सीड जर्मिनेट होना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, इसमें एसिड जो स्कैरिफिकेशन है वो जनरली मैकेनिकली तो पेपर सैंड पेपर से रगड़ देते हैं या हॉट वाटर में भी दे देते हैं तो क्रैक आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सीड कोट तो बहुत हार्ड है, प्रोटीन का बना है, लेकिन किसी भी चीज़ को अगर गर्म करोगे और अगर वो एक्सपेंड नहीं होगा तो क्रैक आएंगे, क्योंकि अंदर एक्सपेंड नहीं हो रहा, आउटर कवर गर्मी से एक्सपेंड होगा तो क्या होंगे, क्रैक। तीसरा होता है एसिडिफिकेशन। इसमें जनरली क्या किया जाता है कि सीड जो लेते हैं उनको H2SO4 में डाल देते हैं, तो H2SO4 उसकी आउटर कवर के साथ रिएक्ट करके उसे क्रैक कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट कंसनट्रेट में डालेंगे, 5% के समथिंग H2SO4 होता है उसमें डाल देते हैं 5-10 मिनट के लिए। दूसरा, इसके कुछ और नेचुरल तरीके हैं आउटर कवर को। आपने देखा होगा जो बकरी है वो जनरली बबूल के जो अकेसिया निलोट का उसके सीड को कंज्यूम कर लेती है, बाद में वो जहाँ पर बैठती है तो उसे बोलते हैं जुगाली करना, रौंथ करना, तो उसमें वो जो सीड है उसको वापस टपका देती है, तो उसके मुंह के थ्रू माउथ के थ्रू जो है वो जनरली उनकी आउटर कवर डैमेज हो जाती है। या फिर जब इसे खा लेते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से जब ये निकलती है तो उसकी जो एंजाइम्स है वो उसकी आउटर कवर को डैमेज कर देते हैं, लेकिन अभी भी एमचो डैमेज नहीं हुआ। तो जब ये पास हो जाते हैं उसकी एलिमेंट्री कैनाल से तो वापस जाने के बाद ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ये उनका अडेप्टेशन है। एक है पार्शियल फर्मेंटेशन। जैसे जो हम जनरली घरों में फर्मेंट करते हैं अचार रखने से पहले, उसे कुछ 2-3 दिन तक या 5-6 दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं तो धीरे धीरे वो फर्मेंट हो जाता है। कुछ को जैसे टीक के सीड है तो जैसे मैंने बोला था अल्टरनेट वेट एंड ड्राई देना होता है, तो कभी कभी क्या करना पड़ता है उसे आग में फेंक देते हैं, जिससे वो टेम्परेचर का इफेक्ट से वो क्रैक आए। ओके, और अगर इमेच्योर ट्री को आपने हार्वेस्ट किया है, एक तरीका और है, ये सीड डोरमेंसी जैसे आउटर कवर की जो कोट की डेवलप हो रही है ये कब हो रही है, पहले सीड पूरा बन जाता है इसके बाद वो बाहर आउटर कवर डेवलप करता है और फिर ये डोरमेंसी डेवलप होती है। तो अगर हम ठीक से ध्यान दें तो जैसे ही वो सीड डेवलप हो गया लेकिन अभी आउटर कवर डेवलपमेंट के फेज में है और वो बिल्कुल हार्ड नहीं हो पाया, उसी टाइम पर अगर हम सीड को कलेक्ट कर लें तो क्या हो गया, सीड कोट ज़्यादा अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा। इसका मतलब उसका डेवलपमेंट जो डोरमेंसी वाला कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम उसकी डोरमेंसी रिमूव कर लें। अब आता है इंटरनल यानी कि एंडोजीनस। तो एंडोजीनस जो है वो होती है उसकी केमिकल वगैरह का केमिकल इशू है, तो उसके लिए हम जो करते हैं वो है स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटा बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जनरली ज़मीन में गड्ढा करते हैं और उसमें एक लेयर रख लेते हैं सीड की, फिर जो अपना गनी बैग है एक लेयर उसकी रख देते हैं, फिर एक लेयर फिर सीड की, फिर गनी बैग की, फिर एक सीड की, फिर गनी बैग की, और इस टाइप के करने के बाद फिर हम उसमें पानी डालते रहते हैं तो टेम्परेचर नीचे चला जाता है और मॉइस्चर बहुत बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे सीड को ये समझ में आ जाता है कि फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो अंदर से डोरमेंसी रिमूव करके जर्मिनेट वाली कंडीशन में आ जाता है, और जैसे ही वो जर्मिनेट वाली कंडीशन में आया हम फटाक से निकाल करके बाहर निकाल देते हैं तो उसे लगता है कि उसका कट गया। नेक्स्ट है हार्मोनल ट्रीटमेंट दे देते हैं या एक्सरे गामा रे जैसी भी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं उसे। जैसे एक एग्जांपल याद रख लो देवदार का, जिसे कोल्ड वाटर सोकिंग देते हैं, क्योंकि देवदार में क्या होता है उसके सीड को ये पता होता है जिस ईयर ज़्यादा रेनफॉल होगी वो स्नोफॉल होगी मीन्स उसके लिए मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है,
तो उस साल वो सीड ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। एक्चुअली प्लांटों को पहले से कहीं ना कहीं प्लांटों को ये मालूम होता है कि इस साल मौसम अच्छा आएगा, ये उनकी मैकेनिज्म है जिसे हम साइंटिफिकली तो नहीं समझते, बट प्लांट में ये सिम्टम है कि जिस साल अच्छा मानसून आने वाला होता है वो लगभग 6 मंथ पहले उसके सिम्टम शो कर देते हैं, फ्लावरिंग अच्छी आती है उनमें। वही आती है उतार के साथ है कि जिस साल स्नोफॉल ज़्यादा होना होता है उसके 3-4 मंथ पहले ही इसमें उस साल बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। उससे समझ में आ जाता है जो कोल्ड एरिया वाले हैं कि इस साल स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होगा, तो उनकी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से हो जाती है। इवन वाइल्ड एनिमल भी इसी टाइप से कई बार बिहेव करते हैं, स्पेशली जो डीप हिमालय के जो मंकीज हैं रोडोडेंड्रॉन वगैरह के पास घूमते रहते हैं, उनमें वो वही कैरेक्टर है कि जिस साल ज़्यादा स्नोफॉल होगा मीन्स उन्हें फूड कम मिलेगा, तो वो सीजन के शुरू होने से 3-4 मंथ पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। टीक के साथ अल्टरनेट वेट ड्राइंग हो ही गया, अब अपना हो गया ट्रीटमेंट तक। लास्ट पार्ट देखते हैं टेस्टिंग। यहाँ पर टेस्टिंग जो जनरली है वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पहला तो ये पता होना चाहिए कि अगर हमने 10 सीड लगाए तो उसमें जर्मिनेट कितने होंगे। अगर किसी का जर्मिनेशन परसेंटेज 50% है, मतलब 10 सीड लगाए तो उसमें 5 जर्मिनेट होंगे, तो इसका मतलब है कि जब हम सोविंग करेंगे तो हम 2-2 सीड डालेंगे, जिससे 2 में से 1 तो जर्मिनेट होगा। अगर दोनों होगा तो 1 को बाद में उड़ा देंगे, देखेंगे, लेकिन पहले तो जर्मिनेट हों। तो इस टाइप का काम किया जाता है, तो हमें पहले टेस्ट चाहिए। दूसरा, जब आपको जर्मिनेशन होगा तो आपको ये पता होगा कि एक्चुअल में आपको सीड कितना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है सीड की, ठीक है, और फिर इससे आपकी एक्यूरेसी आएगी प्लांटेशन वगैरह वर्क के लिए। अदरवाइज इस टाइप के प्रोजेक्ट में कुछ भी अनसर्टेनिटी कैसे काम चल सकता है। तो पहले देखते हैं हम प्योरिटी टेस्ट। प्योरिटी टेस्ट का मतलब है कि हमने अगर 100 सीड ले लिए तो उसमें एक्चुअली 100 टीक के लिए, तो एक्चुअल में उसमें टीक के सीड कितने हैं। अदर स्पीसीज का भी मिक्सअप हो जाता है, तो अगर उसमें 90 टीक के हैं, 10 किसी अदर स्पीसीज के हैं, तो उसका प्योरिटी टेस्ट हुआ 90%। दूसरा ले लिया सीड वेट। सीड वेट जो है यहाँ पर 2 टर्म होते हैं, सीड वेट और टेस्ट वेट। अगर 100 धानों का अगर हमने सीड्स का वेट लिया तो उसे बोलते हैं सीड वेट, और अगर आपने 1000 सीड का वेट लिया उसे बोलते हैं टेस्ट वेट। बस इतना याद रखना है, ये एक्चुअली टेस्ट वेट अपने यहाँ का इशू बिल्कुल नहीं है, ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज़ होता है। अपना सीड वेट से काम हो जाता है, क्योंकि जो ट्री के फ्रूट्स होते हैं ये बड़े होते हैं। टेस्ट वेट टर्म यूज़ होता है बहुत छोटे सीडों के लिए, स्पेशली जैसे यूकेलिप्टस है, उसमें ये टेस्ट वेट टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि उसके सीड बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं, बहुत हवा में उड़ने वाले होते हैं। ओके, आगे आते हैं। इसके बाद आता है जर्मिनेशन टेस्ट थर्ड। इसमें क्या होता है, आपने 50 सीड डाल दिए या 100 सीड ही लेके चले, आपने 100 डाल दिए तो जर्मिनेट कितने हुए, मान के चलो 50% जर्मिनेट हुए, तो उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है 50। तो अपन पहले से लेते हैं प्योरिटी टेस्ट। आपने 100 सीड लिए थे प्योरिटी की, तो पता पड़ा कि 90 टीक के थे, 10 तो अदर स्पीसीज के थे, ठीक है। अब आपने वो 100, आपके पास तो 100 ही रहा, एवरेज चलेगा ना, क्योंकि आपने एक सैंपल से भले ही ले लिया लेकिन रिमेनिंग तो आपका नॉर्मल ही रहेगा मिक्सअप। तो आपने सोच लिया कि अगर मैंने बोरे में से कहीं डाल भी दी 100, तो 90 ग्रो करना है। अब 90 में से कितने परसेंट जर्मिनेट हो रहा है, पता पड़ रहा है कि 50% जर्मिनेशन है। 100 सीड लगाओगे तो 50 ग्रो करेंगे, मतलब 90 में अगर आप फेंकोगे, आपने एक बार एक मुट्ठी भर के फेंक दिया सीड, तो उसमें 90% उसके थे, उसमें से भी आधे, मतलब 90 मीन 100 मान लो, 100 सीड फेंके थे, 90 थे उनमें से भी 50% जर्मिनेट हुए, मतलब 45 जर्मिनेट हुए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक 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 मुट्ठी अगर सीड फेंक दिए तो उसमें 45 सीडलिंग जर्मिनेट होंगे। फिर आएगा एक टर्म आता है जर्मिनेशन एनर्जी। जर्मिनेशन एनर्जी क्या होता है कि जनरली कुछ सीड होते हैं जो स्टार्टिंग में हाल ही तुरंत जर्मिनेट होते हैं। इसे ऐसे समझ लो कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ लोगों को एकदम तुरंत याद आ जाता है कि इसका आंसर क्या होगा, कुछ लोगों को थोड़े टाइम बाद आता है, और कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही लेट आता है। तो ये वो पीरियड है कि टाइम के साथ कितना परसेंट जर्मिनेशन बढ़ रहा है, मतलब कुछ पहले दिन जो
पहले दिन जर्मिनेट हो गए, कुछ दूसरे दिन हुए, कुछ तीसरे दिन हुए, और कुछ 6th 7th डे होते हैं। तो इनका जो जर्मिनेशन है, अगर आप उनका नंबर को ले लो कि पर डे कितने जर्मिनेट हो रहे हैं, तो डे के हिसाब से एक इनका ग्राफ बनेगा, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि मैक्सिमम जो सीड आपके जर्मिनेट हो रहा है वो 3rd या 4th डे हो रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि इसकी जो जर्मिनेशन एनर्जी है, मतलब वो पीक पीरियड टाइम जहाँ तक इसके मैक्सिमम सीड मीन सबसे ज़्यादा सीड जर्मिनेट होते हैं, 70-80% सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, वो तो हुई उसकी जर्मिनेशन एनर्जी। ओके, अब जब जर्मिनेशन होता है तो उससे रिलेटेड दो टर्म और हैं, एक है एपिशियल जर्मिनेशन, दूसरा है हाइपोशियल जर्मिनेशन। इसको समझ लेते हैं। पहले आप एक नीचे वाली पिक्चर देखो, जिसमें ये बेस में है सीड, ये नीचे वाला सीड के ऊपर ग्रो करता है स्टेम। तो सीड के, सीड मतलब कोटिलेडन, तो कोटिलेडन के जो ऊपर का पार्ट है स्टेम वाला पार्ट, उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, और सीड के नीचे वाले का पार्ट है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। जो हाइपोकोटाइल है उससे ग्रो करेंगी रूट्स, और जो एपिकोटाइल है उससे ग्रो करेंगी लीव्स। ओके, अब अपन जाते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। एपिजियल मतलब, एपी मतलब एबव और जियल मीन्स अर्थ। तो इसमें क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो इसका जो हाइपोकोटाइल है, नीचे वाला पार्ट है सीड के नीचे का, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इस वजह से क्या है कि अब देखो, रूट नीचे तो पेनिट्रेट इतनी तेज़ी से कर नहीं पाएगी, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ है, तो ये क्या करता है, कोटिलेडन को लेके ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे तो ग्रोथ किसकी हुई नीचे, हाइपोकोटाइल की तेज़ी से होने से सीड ज़मीन के ऊपर आ गए, इसलिए बोला ऊपर आ गए, तो एपी जीएल मीन्स अर्थ, तो ये ज़मीन के ऊपर आ गए, एपीजियल जर्मिनेशन। दूसरा एक और जर्मिनेशन है हाइपोजियल, इसमें सीड जर्मिनेट हुआ, इसमें एपिकोटाइल जो है कोटिलेडन के ऊपर की, जिससे स्टेम बनेगा, उसकी ग्रोथ नीचे वाली हाइपोकोटाइल की ग्रोथ से कई गुना ज़्यादा होती है। इसकी वजह से क्या होता है, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ स्लो है, तो ये सीड को ऊपर नहीं निकाल पाता, जबकि प्लांट पहले ऊपर निकल चुका होता है। तो इस केस में सीड जो है वो ज़मीन के अंदर ही बचा रह जाता है, मीन्स अंदर है, इसलिए है हाइपोकोटाइल या हाइपोजियल। ठीक है, तो यहाँ एपिजियल और हाइपोजियल का एग्जांपल याद रखना है कि जो अपना टीक है। तो जनरली होता क्या है कि ये जो कोटिलेडन वाला जर्मिनेशन होता है, यानी कि एपिजियल, ये होता है डाइकोट में, यानी कि दो कोटिलेडन होते हैं जो बाद में बाहर निकल के फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, और हाइपोजियल जो होते हैं वो सिंगल मोनोकोट वालों का होता है। यहाँ पर आपको मोनोकोट डाइकोट में नहीं फंसना है, इतना याद रखो कि हाइपोजियल है वो साल में होता है और एपिजियल होता है वो टीक में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपना हो गया प्योरिटी टेस्ट, हो गया सीड वेट, हो गया जर्मिनेशन टेस्ट, हो गया। अब देखते हैं वायबिलिटी टेस्ट। वायबिलिटी मतलब आप जो सीड ले रहे हो, आपने सीड ले लिया, अभी 100 सीड आपके टेबल पर रखे हैं, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली इन सीडों में जिंदा कितनी है और डेथ कितनी की हो गई। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका है, एक टेट्राजोलियम केमिकल आता है, इन सीडों को उस केमिकल में डाल देते हैं और 4-5 घंटे तक छोड़ देते हैं। तो क्योंकि वो केमिकल जो है वो इनकी जो मेटाबॉलिज्म है उसका एक कंपोनेंट है, तो जो एम्ब्रियो होता है सीड का, वो लिविंग अगर पार्ट है तो उस केमिकल को एब्जॉर्व कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेगा तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, लगभग लाइट डाउन लाइट रेड टाइप का। तो जितने सीडों ने वो ऑब्जर्व कर लिया, मतलब वो जिंदा है, जिनने नहीं किया वो सब डेड सीड है। बका है कि आज के टाइम पे एक्सरे वगैरह भी आ गई है, अपने लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुद्दा है टेट्राजोलियम टेस्ट होता है सीड वायबिलिटी के लिए, और एक्सरे वगैरह भी यूज करते हैं। एक तीसरा मेथड है एक्साइज एम्ब्रियो टेस्ट, इसमें जो एम्ब्रियो है उसे निकाल करके जो ट्यूब होती है उसमें रख देते हैं, इसमें सॉल्यूशन भी रहता है टिश्यू कल्चर वाला, तो वो वहाँ पर ग्रो करता है। पता पड़ा कि हमने 10 सीड का डाल दिया, अगर उसमें से 8 जर्मिनेट हो गए, मतलब 80% सीड हमारे वायबल है। लास्ट में एक मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि सीडों का पहले वेट ले लेते हैं, फिर इन्हें ओवन में रख के गर्म कर देते हैं, दर मीन्स 102-105 डिग्री की समथिंग, और बाद में लास्ट में वेट ले लेते हैं, तो क्या है मॉइस्चर भाग गई, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस से निकल आता है कि मॉइस्चर कितनी थी, वो है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट।
अब लास्ट में अपना आता है सीट सर्टिफिकेशन। सीट सर्टिफिकेशन को ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे सीट टेक में, यहाँ पर एक बेसिक देख लेते हैं कि सीट सर्टिफिकेशन होता क्या है। आपने एक सीट ले मार्केट में जा रहे हो, और अगर सीट की मार्केटिंग कर दी जाए तो आपको एक कोई स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, जिसके आपको ये पता पड़ा कि जो सीट आप लेके आ रहा है वो वही क्वालिटी का है और वही स्पीसीज का है जो आपको चाहिए था, जिसका आपने पेमेंट किया। ऐसा ना हो कि आपको किसी घटिया सीट दे दिए और सही के दाम ले लिए। तो इसके लिए फॉर्म आता है, एक सर्टिफाइंग एजेंसी होती है, जो जब भी सीट जो बैग लिया जाता है उस पर ये सर्टिफिकेट लगा होता है। तो वो मैकेनिज्म होता है सीट सर्टिफिकेशन का, और जो टैग लगा होता है वो है सीट सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है, FRA के जो रूल बना रखे हैं FRA ने, उसके हिसाब से उसमें पूरा पूरा डिटेल होगा ट्री के बारे में, कि वो कौन सी स्पीसीज है, कब कलेक्ट की गई है, कहाँ उसकी प्रोजनी है, मतलब कहाँ से वो कलेक्ट किए गए हैं, मदर ट्री के कैरेक्टर क्या है, और प्रोसेसिंग स्टोरेज वगैरह क्या क्या है उसका, तो पूरी डिटेल होती है। यहाँ पर कुछ टर्म है, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, IFS वाले को नहीं पढ़ना है, क्योंकि फॉरेस्ट्री में इतने सर्टिफिकेशन के सिस्टम नहीं होते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट होता है जो सीड की वैरायटी डेवलप करता है, तो क्योंकि वो साइंटिस्ट है जिसने डेवलप किया है, तो वो उसे बोलते हैं ब्रीडर। तो उसका जो सीड होता है, जो ओरिजिनल सीड होता है, उसे बोलते हैं ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड से इसके बाद वो क्या करेगा, मार्केटिंग में लोगों को खुद तो छुट्टे में बेचने नहीं जाएगा, तो वो किसी कंपनी को बेच देता है, राइट। तो कंपनी क्या करती है, उसका सीड जो बेसिक फाउंडेशन मिलते हैं, मतलब जैसे जो ब्रीडर सीड मिले उसे, वो मिले सपोज 1 kg, फिर वो उस ब्रीडर सीड को अपने फार्म में ग्रो करके उससे प्रोड्यूस करेगी बहुत ज़्यादा सीड। तो वो जो सीड प्रोड्यूस करता है उसे बोलते हैं फाउंडेशन सीड, क्योंकि वो हमेशा उसी फाउंडेशन से कंपनी सीड को निकाल निकाल के नीचे बेचती जाएगी, लेकिन वो फाउंडेशन सीड को नष्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो ब्रीडर सीड है, वो ब्रीडर जनरली कुछ टाइम तक रखता है, एक टाइम के बाद वो ब्रीडर सीड नष्ट हो जाता है कई बार। तो यहाँ पर जो कुछ रहता है वो फाउंडेशन सीड रहता है, यानी कि ये पूरे पूरे सीड सर्टिफिकेशन का, या सीड जो वैरायटी सिस्टम है, जो मार्केटिंग है, उसका फाउंडेशन है, जो ओरिजिनल कंपनी प्रोड्यूसर है वो अपने पास रखे अपने फार्म में। वहाँ से वो जो सीड देती है, वो देती है लोकल प्रोड्यूसर को। जैसे कोई इंटरनेशनल कंपनी है US की, उसने लोकल में महाराष्ट्र की माँ को है उसको दे दिया कि तुम भाई प्रोड्यूस करो, जो कॉटन का, BT कॉटन का, इस टाइप का। तो ये लोकल वाला है, वो प्रोड्यूस करके जो सीड बेच रहा है मार्केट में, उसे बोलते हैं रजिस्टर्ड सीड, और दूसरा होता है सर्टिफाइड सीड। इनके फिर टैग के अलग अलग कलर है, अपन को इतना याद नहीं रखना है, आगे चलते हैं। अपना यहाँ पर पार्ट कंप्लीट हो गया सीड सप्लाई, बस थोड़ा एक पार्ट और देख लेते हैं, सीड प्रोडक्शन एरिया। जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो करेंगे कैसे, तो जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के, जिनकी हमने प्रोजेनी ट्रायल कर लिया है, प्रोविनेंस ट्रायल कर लिया है, उन सीड को लेके आते हैं और फॉरेस्ट के एक स्पेसिफिक एरिया में हम लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं सीड प्रोडक्शन ऑर्चार्ड, क्योंकि हमने वहाँ आर्टिफिशियली लगाया है। लेकिन अगर हमने ऑर्चार्ड ना बना के हम ऐसे जंगल में गए और किसी एरिया में कोई स्पीसीज अच्छी ग्रो कर रही थी, तो हमने उस एरिया में अदर स्पीसीज को हटा करके उस एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया, मीन्स वहाँ पर वो पहले 100 पेड़ों में से 40 पेड़ थे, तो हमने बका के जो अदर स्पीसीज के 60 पेड़ थे उन्हें निकाल दिया वहाँ से, उस पूरे एरिया को साफ कर दिया उस स्पीसीज से, जिससे कि पॉलिनेशन बाहर का ना पाए। तो वो एरिया जो बना वो आ गया सीड प्रोडक्शन एरिया, मतलब उस एरिया को हम एज ए सीड प्रोडक्शन हब की तरह यूज करेंगे, वहाँ से जो भी सीड प्रोड्यूस होंगे उनको हम बाहर यूज कर लेंगे, ओके। फिर सीड प्रोडक्शन एरिया से रिलेटेड आगे की जो चीज़ें हैं वो अपन ट्री इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें वहीं आ जाएंगी, ओके। कुछ अनएक्सप्लेन क्वेश्चन है जिनके अभी इसमें आंसर नहीं मिलेंगे आपको, जैसे सीड प्रोडक्शन और सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम इन इंडियन फॉरेस्ट्री, तो वो यहाँ पर नहीं मिले। मैंने आपसे बोला कि हम सीड टेक में जस्ट यही पार्ट बचा है जो देखेंगे। डिस्कस द इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हाइल प्लानिंग सीड ऑर्चर्ड, एक सीड ऑर्चर्ड को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये पूरा पार्ट आपको सीड ऑर्चर्ड के टाइप्स कैसे बनाओगे, ये पूरा ट्री इम्प्रूवमेंट में आपको मिलेगा, ओके। थैंक यू, अगर कोई इशू है तो आप चैट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।